88 साल बाद मिथिलांचल से जुड़ गया सीमांचल। झंझारपुर कुफा रेलखंड का केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शनिवार को लोकार्पण किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर झंझारपुर से सहरसा के लिए डीएमयू ट्रेन रवाना किया। इसके साथ ही सीमांचल से मिथिलांचल का 88 साल बाद रेल नेटवर्क से सीधा जुड़ाव हो गया। मिथिलांचल के सीमांचल से जोड़ने वाला यह रेलखंड 1934 से बंद है। उस साल तक दरभंगा से सहरसा तक रेल परिचालन होता था। भूकंप के कारण कोसी पुल क्षतिग्रस्त होने से 1934 के बाद दरभंगा से निर्मली तक ही रेल परिचालन हो रहा था। इसके आगे निर्मली से कुफा होते हुए सहरसा तक रेल परिचालन ठप था। इस रेलखंड को फिर से चालू करने के लिए 2012 में आमान परिवर्तन किया गया था। झंझारपुर से निर्मली तक 32 किलोमीटर में 2016 में आमान परिवर्तन का काम शुरू हुआ। निर्मली से कुफा तक 6 किलोमीटर में नई रेल लाइन बिछाई गई। इस रेलखंड के चालू होने से मधुबनी की करीब 20 लाख की आबादी 6 साल बाद एक बार फिर रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। अभी रेल मार्ग से सहरसा जाने के लिए मधुबनी के लोगों को वाया दरभंगा करीब 7 घंटे का सफर करना पड़ रहा है। इसके चालू होने से ही झंझारपुर से सवारी गाड़ी से करीब 5 घंटे व एक्सप्रेस से 2 घंटे में सहरसा पहुंच सकेंगे। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक सुभाष मार्केट लंगर टोली चौराहा पटना।